नहीं बस हाँ सौरभ दगाओ दगाओ सौरभ अरे हाथ मत लगा लीस हाथ मत लगा लीस यार। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप देख रहे होंगे कि मैं क्या बना हूं, तो आज मैं मजदूर बना हूं और अपने घर की सफाई कर रहा हूं मैं। ये देखो तो दीपावली की सफाई चल रही है। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव में कैसे लोग दीपावली मनाते हैं। तो आज धनतेरस के बाद दूसरा दिन है और आज मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूं। तो मैं 3-4 दिन की जर्नी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गांव में लोग दीपावली मनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग के थ्रू दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अभी ऑलमोस्ट सफाई हो गई है, पूरे घर की सफाई हो गई है। वो बाहर बचा 6-7 घंटे लग गया, पूरा जुखाम खांसी बुखार सब कुछ आ गया इतनी देर में। और आज के युग में हम लोग मॉडर्न सफाई करते हैं, चश्मा वश्मा लगा के बकायदा कि आंखों में बिल्कुल धूल ना जाने पाए। सो गाइज अभी मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है और अभी मैं फ्री हो गया हूँ। मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरे कितनी ज़ोर से जुखाम हो गया। तभी मैं नहा धो के खाना वाना खा पी के फैल के सो जाऊँगा और मिलता हूँ आपसे कल दीपावली के दिन। तो मैं दिखाता हूँ कि और बाकी चीज़ें हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं दीपावली में। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक का वेट करें। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है अपनी जो है झालर वगैरह लगाना। तो भैया हमारे दोस्त लोग सब साथ में मेरी हेल्प कर रहे हैं दीपावली के उपलक्ष में। ये हम लोग इसको अच्छे से सजाएंगे, फिर रात में जलाएंगे। तो पूरा लुक मैं आपको शाम को दिखाऊंगा कि कैसा लगेगा देखने में। बाकी उधर भैया लोग के घर पे भी लग गई हैं सारी अगल बगल में, तो एकदम तगड़ा वाला माहौल है। बच्चों के साथ हम बहुत अच्छे से आज सेलिब्रेट करने वाले हैं दीपावली। तो वो चीज़ ये मैं आपको अभी धीरे धीरे शाम तक दिखाता हूँ। तो पहले ये लगा लेता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। तो दोस्तों ये देखो हमारे छोटे भाई हमारे भैया लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ में और यहाँ तक लग गई है। अभी और आगे तक वहाँ तक लगाएंगे लास्ट तक। अभी इसको एकदम तगड़ा वाला चमका रहे हैं भाई लोग। तो गाइज इतना रिस्क लेके मैं देख लो झालर लगा रहा हूँ। भाई साहब मेरी फट रही है बहुत जोर। भैया इधर रहो थोड़ा मेरे लग रहा है डर। भैया हमको ऊंचाई से बड़ा डर लगता है। अरे यार ये कैसे। तो दोस्तों अभी मंदिर में भी हम लोगों ने लाइट लगा दी है। मेरे अभिनव भाई ने बहुत हेल्प की मेरी और पूरे घर में लाइट लग गई। तो अब शाम को कैसा नज़ारा होगा वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। गाइज अभी कुछ सामान खरीदना था, मोमबत्ती वगैरह, तो वो भी मैं आ गया हूँ गंगागंज मार्केट में। और ये हम लोग की मार्केट है जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं, कोई भी छोटी मोटी सामान यहाँ से ले लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे लग गई हैं दुकानें सारी। तो हमें पूजा का सो भी सामान लेना था, यहाँ से ले लिए हैं, मोमबत्ती वगैरह ले लिए हैं, चूड़ा फुटिया खिलौना सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अभी यहाँ सारी चीज़ें हम लोगों ने खरीद ली हैं। ये हमारे साथ भैया, मैं खड़ा हूँ अपने खेत में और ये मेरे खेत हैं। और गांव के लोगों को मालूम होगा कि ये यहाँ पे एक प्रथा होती है कि अपने खेत के एक कोने में थोड़ी सी हम लोग आग लगाते हैं जिससे हमारे खेतों में अनाज अच्छा पैदा हो। ये हम लोग की प्रथा है, हम लोग में ये सब माना जाता है। अच्छी चीज़ ये है हमारे हिंदू धर्म में कि हम लोग हर एक चीज़ की पूजा करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके नहीं चलते हैं। यही चीज़ हमारे धर्म को एक विशेष स्थान देती है। यही चीज़ अच्छी है, चाहे वो धरती माता हो, खूब अच्छा अनाज पैदा करो। दोस्तों मोमबत्ती लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है, देखो भाई अब थोड़ा सा लाइट कम है इसलिए अभी अंधेरा लग रहा है। अभी तगड़ा माहौल बनेगा। ये देखो गाइस लाइटें झमझमा रही हैं, एकदम माहौल बन चुका है पूरा। ये आसपास में सब मोमबत्तियाँ लग गई हैं, लाइटें जलने लगी हैं।
ये देखो क्या माहौल है भाई, ये बात और तेज घुमाओ। जला दो। ये बात। चलो आप पकड़ ले। लगाओ। अरे आज कहाँ हम जा कहरान लावक। अबे तुम ले आ रहे हो, तुझे कहा ले हो। हाँ सौरभ दगाओ दगाओ सौरभ। अरे हाथ मत लगा लीस, हाथ मत लगा लीस यार। कहाँ लग गा? क्या बात सुननी है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं एक मंदिर पे। हम लोग रात में सब पूजा पाठ करके गोला वाला दगा के फिर हम लोग मंदिर पे आते हैं। एक छोटा सा नीम के पेड़ के नीचे मंदिर है और गांव से बाहर है, देव स्थान है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पड़ाके वड़ाके दगा के अपने दिवाली के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। माता मैया के जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।